हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पटियाला गार्डन टिप्स में। आज हम आपको बताएंगे एडीनियम की प्रूनिंग कैसे करते हैं और प्रूनिंग के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए और कब इसको फूल आएंगे कब नहीं आएंगे वो सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहले आप अगर अपने एडीनियम को प्रून करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई भी एडीनियम हो, चाहे वो ग्राफ्टेड हो चाहे वो नॉन ग्राफ्टेड हो, आपको चाहिए एक सैनिटाइज़र। लाइक कोई भी सैनिटाइज़र हो, या फिर आप अल्कोहल ले सकते हैं या फिर जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, वो ले सकते हैं। उससे आपको क्या करना है, एक कॉटन बॉल ले लेनी है और अपने जो शार्पर है जिससे आप अपने प्रून करते हैं गार्डन के सभी प्लांट्स को, उसको साफ़ करना है, क्योंकि जो एडीनियम होता है उसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। सो हमको उसको फंगस से बचाने के लिए सबसे पहले अपने जो ये प्लांट कटर है उसको साफ़ करना है, ताकि उसमें जो भी जर्म्स हों, जो भी कीटाणु वगैरह हों, वो साफ़ हो जाएं। तो करते हैं। सॉरी, मैं वीडियो के लिए अकेली हूँ इसीलिए अकेले ही बना रही हूँ। सो आपको ध्यान रखना है ताकि ये आपको लगे नहीं, नाइफ बहुत आपका शार्प होता है ये, बस लगे ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अच्छे से साफ़ कर लें अपने प्रूनर को और ये साफ़ हो गया। देखिए कितने जर्म्स वगैरह थे। तो अब आपको इसको प्रून करना है। अब कहाँ से भी, पहले मैंने इसको प्रून किया था तब इसकी ये इतनी चार पांच ब्रांचेस आई थी, सिर्फ दो ब्रांच सी थी पहले इसकी, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही थी और यहाँ से एक थी। तो जब मैंने इसको पिछले साल प्रून किया था तो इसकी सिर्फ दो ब्रांचेस थी। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच ब्रांचेस हैं इसकी। अब हम इसको प्रून इस तरीके से करेंगे कि इसकी और ब्रांचेस आएँ। सो प्रून करने के लिए हम इसको यहाँ से, अगर इसको प्रून करते हैं तो यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेंगी, तो ऐसे यहाँ से भी अगर प्रून करेंगे तो यहाँ से भी दो निकलेंगी। आपको कुछ छोटी रखनी है ब्रांचेस, कुछ बड़ी रखनी है। तो प्रूनिंग करने के बाद हमारे एडीनियम की लुक कुछ ऐसी आएगी। ये देखिए यहाँ से मैंने सभी ब्रांचेस काट दी हैं, पांच हैं। अब यहाँ से दो दो ब्रांचेस और निकलेंगी तो एडीनियम काफ़ी भरा भरा सा हो जाएगा, और फरवरी में या मार्च में जब इसको फूल आएंगे, अच्छा हम फर्टिलाइज़र देंगे और इसको फूल आएंगे तो बहुत भरा भरा हो जाएगा एडीनियम। और मैं इसको एज आ बोनसाई तैयार कर रही हूँ। ये देखिए बोनसाई ट्रे में लगा हुआ है। ये जो इसकी मिट्टी है, मैं इसको बहुत रेयर पानी देती हूँ। ये देखिए मिट्टी में ज़्यादातर कंकड़ पत्थर ही हैं और मिट्टी बहुत बिल्कुल सूखी पड़ी है इसकी मिट्टी। मैं ऐसी ही मिट्टी रखती हूँ इसकी, ज़्यादा इसको पानी नहीं देना चाहिए वरना इसकी रूट्स जो हैं गल जाती हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको, ये देखिए ये हमारा फर्टिलाइज़र है, जिसको फर्टिलाइज़र भी कह देते हैं, पेस्टिसाइड भी कह देते हैं। इससे जो होता है ना फ्रेंड्स, हमारे एडीनियम को कोई भी किस्म का कीड़ा नहीं लगेगा, कोई भी फंगस नहीं लगेगा। अगर आप साफ़ नहीं ख़रीद सकते हैं, एक साफ़ आता है, वो मेरे को नहीं पता कहाँ से मिलता है या कहाँ से नहीं, क्योंकि मैंने कभी परचेज़ नहीं किया, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। सो इसको अगर हम इसमें लगा देंगे एडीनियम के यहाँ पे, तो ये जो पानी है एक तो वो बंद हो जाएगा, दूसरी बात है कि हमारे एडीनियम को यहाँ से कोई भी फंगस नहीं लगेगा। और हमारा एडीनियम यहाँ से जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से जो हैं इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। अगर हम इसको यहाँ से लॉक नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे करके यहाँ से गलना शुरू कर देगा और काला पड़ जाएगा। काला पड़ने के बाद वो यहाँ से धीरे धीरे आगे 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 बढ़ता बढ़ता नीचे तक पहुंच जाएगा और पूरे का पूरा एडीनियम आपका गल जाएगा। इसको लॉक करना ज़रूरी होता है। तो इसको हम कैसे लॉक करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए
ऐसे हम इसको लॉक कर देंगे, ऐसे लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद इसको सारे के सारे को लॉक करेंगे। इसके सभी जो ये हैं ब्रांचेस, उनको लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए सभी के सभी मैंने लॉक कर दिए हैं। इनको लॉक करने के बाद हम, ये कहीं से उड़ ना जाए, निकल ना जाए, कहीं पे पानी पड़ने पे निकल ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमबत्ती से इन सबको कवर कर देंगे। ऐसे हम इन सबको कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद मिलते हैं। सभी के सभी ब्रांचेस मैंने लॉक कर दी हैं, ये देखिए। अगर हम इनको लॉक ना करते तो इनमें सड़ान पैदा हो जाती है और वो हमारे सारे के सारे एडीनियम को ख़राब कर देती है। अब हमको इसका खास ख्याल ये रखना है कि एक तो इसको अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना है फरवरी मार्च में, ताकि इस पर अच्छे से फूल आ सके। और इसका ख्याल ये रखना है कि आपको इसको वाटरिंग बहुत कम देनी है, ताकि थोड़ी थोड़ी वाटरिंग देते रहेंगे हफ्ते भर में, ताकि इसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकलें और आगे इसका प्रोसेस तुरे तो प्रोसेस चले। इसके लिए हमको इसको थोड़ा थोड़ा पानी देना है और इसकी जो गुड़ाई है वो कर देनी है। उसके बाद इसको पानी देना है अच्छे से। पानी देने के बाद इसको धूप में रखना है, फुल सन में इसको रखना है, ताकि इसकी जो अगली ब्रांचेस हैं उसका प्रोसेस शुरू हो सके। तो देखते हैं हमारे एडीनियम को क्या होता है। मिलेंगे अगली अपडेट वीडियो के साथ, जब हमारे एडीनियम में ब्रांचेज आनी शुरू हो जाएंगी तब मिलेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। ओके, टिल देन बाय बाय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और न्यू वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोज़ आपके तक पहुंच सकें, और मेरे चैनल को आगे शेयर भी कर दें, ताकि आपके और जो दोस्त हैं वो गार्डनिंग से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।